असलम वरह वरक आप देख रहे हैं अफगानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल और मैं हूँ गुलाम नबी मद्दी इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान से मुतलिक अहम ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं सजमीन अफगानिस्तान से रोजाना ताज़ा खबरें ताज़ा मालूम अहवाल जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अफगानिस्तान उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी कर लें अगर आप आलम इस्लाम की और आलमी खबरें देखना चाहते हैं हमारा दूसरा यूटूब चैनल है खबरों की दुनिया उसे भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वहाँ पर आपको आलमी सूरत हाल देखने को मिलती रहेगी अफगानिस्तान के हवाले से अहम खबरों का आगाज करेंगे नासिन कराम एक, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिए है अफगान तालिबान की इमारत इस्लामिया पाकिस्तान से आगे निकलती जा रही हैं और अफगानिस्तान जो पाकिस्तान से रकबे में छोटा है जो पाकिस्तान से आबादी में बहुत छोटा है तकरीबन तीन साढ़े तीन करोड़ वहाँ की आबादी है और पाकिस्तान की बाईस पच्चीस करोड़ आबादी है और वो वो चीज़ें जो पाकिस्तान के पास हैं जो महल वकू पाकिस्तान के पास है वो शायद अफगानिस्तान के पास भी नहीं है लैंड लॉक कंट्रीज़ में अफगानिस्तान का शुमार होता है जिसका दूसरे लफ्जों मतलब ये है कि कोई समंदर नहीं है अफगानिस्तान के पास लेकिन पाकिस्तान के पास समंदर है अल्लाह की दी हुई नमतें हैं सब कुछ है उन नियमतों की नाकदरी का नतीजा है कि पाकिस्तान जवाल पजीर है पाकिस्तान तनजली की तरफ है और पाकिस्तान के बजाय वो मुल्क जो पिछले 40 सालों से जंग का ईंधन बना रहा जो जंग का एक तरह से जंग का सबब बना रहा जहाँ पर आग चलती रही वो पाकिस्तान वो अफ़ग़ानिस्तान आगे जा रहा है हालाँकि दोनों मुल्क मुसलमान हैं दोनों मुल्कों की जो रिवायात हैं कल्चर सकाफत तहज़ीब सब कुछ एक जैसी है लेकिन उसके बावजूद फ़र्क क्या है फ़र्क ये है कि पाकिस्तान पर जो मुसलत हुक्मरान हैं वो करप्ट हैं वो हुक्मरान पाकिस्तान की बजाय वो गैरों के एजेंट हैं वो पाकिस्तान के मफादात के लिए मुखलस होने की बजाय बैरूनी एजेंटी में मशहूर हैं। इस वजह से पाकिस्तान पीछे और अफ़गानिस्तान आगे जा रहा है नाजन काम आप ये जानकर हैरान होंगे और आप ये जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ इसको देख कर यकीन आप दंग रह जाएंगे वजह ये है कि कोई भी मुल्क कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उस मुल्क के अंदर इंसाफ ना हो जब तक उस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ना हो जब तक उस मुल्क के अंदर मसावात ना हो जब तक उस मुल्क के अंदर अमीर और गरीब के दरमियान जो तफरीक है वो खत्म ना हो जब तक उस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना हो वह मुल्क की कौम तरक्की नहीं कर सकती है और पाकिस्तान के अंदर करप्शन करप्शन में पाकिस्तान दुनिया के टॉप के दस मुल्कों में से एक है जहां पर सबसे ज्यादा करप्शन होती है ना इंसाफी में पाकिस्तान की जो अदलिया का निज़ाम है वो एक नंबर पर है यानी पाकिस्तान में इतनी बद इंसाफी है इतनी ना इंसाफी है कि पाकिस्तान की अदालतें दुनिया के 200 मुल्कों में से एक नंबर पर हैं तो क्या ऐसा मुल्क तरक्की करेगा अब इसमें अल्लाह रब्बुल रबुल्जत की तरफ से दी हुई नेमतों की नाकदरी है कुरान पाक के अंदर अल्लाह क्या त्याशात फरमाते हैं ल इन शकर तुम लजीदुम व ल इनकफ़र तुम इन आदाबी ल शदीद कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों की कदरदानी करोगे यानी जैसा अल्लाह ने तुम्हें कहा है इंसाफ को थामे रखोगे लोगों के लिए खैर खाही के जज्बात होंगे आपके मुल्क के अंदर आपकी आपकी कौम के अंदर लोगों पर म नहीं होगा तो अल्लाह की नमतों में इजाफा होगा आप आगे बढ़ेंगे आप तरक्की करेंगे लेकिन अगर तुम अल्लाह की नमतों की ना करोगे ना इंसाफी करप्शन बदनवानी और ज्यादती कत्ल ये सब चीज़ें आपके अंदर होंगी तो फिर अल्लाह का अजाब इतना सख्त है कि अल्लाह के अजाब से बड़ी बड़ी कोमें तबाह हुई हैं चुनाच नाजी ने किराम आज पाकिस्तान को जिस जगह पर हम देख रहे हैं अल्लाह करे पाकिस्तान तरक्की करे कर रहा था तरक्की आगे जा रहा था उम्मीदें लगी हुई थी लेकिन फिर अमरीकी गुलामों ने आकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और जो कुछ छः महीनों में हुआ वो आपके सामने है अब अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर छः महीनों में पिछले चौदह महीनों से अफगान तालिबान की हुकूमत है आप ये जानकर हैरान होंगे कि वो अफगान वो अफगानिस्तान जो बीस साल जंग का ईंधन बना रहा जहाँ पर बीस साल तक दुनिया के पचास मुल्कों की फौजें दुनिया के पचास मुल्कों के एड जो ख़तरनाक बम थे इसलह था बारूद था वो वहाँ बरसाया जाता रहा वो अफगानिस्तान चौदह महीनों के अंदर कैसा बदला है ना वहाँ पर खाना जंगी है ना वहाँ पर बदमनी है वहां पर नाजुन कराम डेटी चोरी वारदातें हैं नब्बे फीसद जराइम खत्म हो गए हैं रोजाना दर्जनों लोग अफगानिस्तान के अंदर मारे जाते थे आज वहां पर लोग नहीं मारे जाते हैं नब्बे फीसद जराइम को चौदह महीनों में कंट्रोल कर लिए हैं वजह इस्लामी निज़ाम वजह रूल ऑफ लॉ वजह लोगों का हुक्मरानों का वो इस तरह से लोगों के साथ अपने मुल्क के साथ मुखलिस होना है कि जिसे बयान करना मुश्किल है जब आपके मुल्क के ऊपर अच्छे हुक्मरान होंगे आपके मुल्क के अंदर इंसाफ होगा और आपके मुल्क के अंदर लोगों में खौफ होगा और लोगों में रुजो इदल होगा तो आपका मुल्क तरक्की करेगा चाचे अफगानिस्तान पाबंदियों के बावजूद अमेरिका की पबंदियाँ हैं अफगानिस्तान पर पाबंदियों के बावजूद अफगानिस्तान आगे निकल रहा है यानी अमेरिका ने अफगानिस्तान के असासे दस अरब डॉलर असासे जब्त कर लिए और नहीं दिए अमरीका ने और ये कहा कि हम ये असासे नहीं देते हैं क्योंकि तालिबान ने हमारे मुल्क पर नाइन अलेवन के वक्त हमला किया था ज़िम्मेदार हैं हम असासे जब्त करते हैं और ये सोचा इसलिए कि पाबंदियाँ लगाएंगे और बैंकिंग सेक्टर पर पाबंदियाँ लगाएंगे मुशी पांदियाँ लगाएंगे, तालिबान आगे नहीं चल सकेंगे ये मजबूर हो जाएंगी हमारी मन्नत करेंगे जब हमारे पास आएँगे कर्ज़ा मांगने भीख मांगने हम इनसे अपनी शरायत मनवाएँगे अफगानिस्तान में तालिबान ने चौदह महीनों से किसी मुल्क से कोई कर्ज़ा नहीं लिया है हालाँकि उनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने हाथ नहीं फैलाए भीख नहीं मांगी पाकिस्तान का तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि कांट चूजर्स, के जो भिकारी होते हैं उनकी कोई पसंद नहीं होती है और पाकिस्तान का वजीर दिफा यह कहता है कि अमरीका ने हमें वेंटिलेटर पर रखा हुआ है अमरीका जो हम सांस लेते हैं वो भी अमरीका के कहने पर लेते हैं ऐसे बेशरम बेजमीर लोग जब पाकिस्तान के हुक्मरान होंगे तो क्या तस्वर करते हैं वह मुल्क तरक्की करेगा वह मुल्क आगे बढ़ेगा कतन नहीं होगा नाजू ने अफगानिस्तान के अंदर लोगों ने जो मुला उमर के बेटे हैं मुला याकूब मुजाहिद उन्होंने एक तकरीर में ये बात कही कि हमें अमेरिका तस्लीम करे या ना करे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम अमेरिका के अमेरिका के सहारे पर नहीं हैं हमें अल्लाह पर भरोसा है हम जहां 20 सालों से लड़कर जीत गए अल्लाह के भरोसे से हम अमरीकी पाबंदियों को ख़ातर में नहीं लाते हैं इन पाबंदियों के बावजूद हम जीतेंगे हम आगे बढ़ेंगे अफगानिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे चुनाचे ऐसा ही हो रहा है आज अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है एक रिपोर्ट के मुताबिक तीस खरब डॉलर के असासे हैं अफगानिस्तान के अंदर और इतना पैसा है कि सऊदी अरब से भी ज्यादा अमीर मुल्क है अफगानिस्तान लेकिन वहां पर खाना जंगी फसादात बदमनी लूटमार जो पिछले 20 सालों में अमेरिका की यम पर होता रहा उसकी वजह से वो वसाइल यूटिलाइज नहीं हो सके लेकिन अब चूंकि तालिबान की हुकूमत है जो ये मौख़फ रखते हैं कि हमारी हुकूमत एक इस्लामी हुकूमत है खिलाफत राश्ता तर्ज की हुकूमत है यहाँ पर इंसाफ़ है कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले होते हैं तो इस वजह से नासिर कराम अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है और अब जो मेरे सामने ख़बर है ये खबर देख कर आप बड़े हैरान हो जाएंगे अफगानिस्तान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी सरकारी टेलीविज़न मिली पर यह नशर हुई है जिसके अंदर ये बात बताई गई है कि एक्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड जो अफ़गानिस्तान के वज़र बराए तिजारत और सनत हैं जिनका नाम नूरुद्दीन अजीज़ी है इनकी जानब से एक इंटरव्यू में बात कही गई है एक बयान में स्टेटमेंट में बात कही गई है कि फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट्स टू पाकिस्तान हैव इनक्रीज़ दैन इम्पोर्ट्स कि तारीख़ में पहली मरतबा पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान से चीज़ों की एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स की जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ चुकी है इंपोर्ट से यानी पहले हम ये सुनते थे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान चलता ही पाकिस्तान के सहारे पर है अफगानिस्तान हर शह पाकिस्तान से मंगवाता था उनके अपने मुल्क में कुछ नहीं था यानी अपने मुल्क में कुछ चीजें पैदा ही नहीं की जाती थी लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से मंगवाने की बजाय पाकिस्तान को दे रहा है पाकिस्तान को बेच रहा है और मुस्तबिल में अफगानिस्तान का तो ये है कि हम सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया को बेचेंगे हर शहर बनाकर बेचेंगे हर चीज़ हर प्रोडक्ट्स चाँच अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने ज़रिए इनकलाब के लिए जो खेत हैं वो बसाना शुरू कर दिए हैं नई फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू कर दी हैं, हैं। बल्कि चाइना की तरह दुनिया को तालिबान दावत दे रहे हैं कि आओ हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो फैक्ट्रियाँ लगाओ हम तुम्हें सहूलत देंगे तहफ़ देंगे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं और नाजिन इकराम अफगानिस्तान की तालिबान हकूत ने चूंकि सूद से निज़ाम सूद से पाक एक निज़ाम मीशत कायम किया है उसकी बरकतें हैं अल्लाह की तरफ से बरकतें नाजल होती हैं जो पहली मरतबा एक अरब डॉलर से भी ज़ायद की पिछले एक साल से भी कम अरसे में तालिबान ने एक्सपोर्ट की हैं जिससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था तो इसका मतलब क्या है शफाफियत इंसाफ मसाव और कवानी सब के लिए एक कानून बाला हो कानून की निज़ाम आदल ठीक हो और करप जागीरदार माफिया का निज़ाम ना हो तो आपका मुल्क तरक्की करता है चुनाच अफगानिस्तान आगे बढ़ रहा है और कुछ अहले नज़र तो ये बात कहते हैं जो कि मुस्तबिल में अफगानिस्तान उस मकाम पर खड़ा होगा जहाँ पर सऊदी अरब है जहाँ पर यू ए है दुबई है इस तरह से लोग दुनिया भर से नौकरियाँ ढूंढने मुलाजमतें करने दुबई जाते हैं वो सऊदी अरब जाते हैं कतर जाते हैं कुवैत जाते हैं यहाँ तक कि मलेशिया जाते हैं लोग मुस्तबिल में बिलखसूस पाकिस्तान के लोग अफगानिस्तान नौकरियाँ ढूंढने जाएंगे ये किस वजह से इस वजह से कि वो मुल्क इंसाफ पर मबनी जो असूल हैं उनके साथ चल रहा है और आगे बढ़ रहा है काश के पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो जो दुनिया का एक अजीम मुल्क है जिसके पास ऐटमी ताकत है जिसके पास दुनिया की बेहतरीन कौम है लेकिन बदकिसमती से उनके करप्ट हुमरानों ने उस मुल्क को सवाल पजी कर दिया है यह वीडियो आम करते मसीद खबरों के लिए अफानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल लाजमी फालो कर लें अब तक के लिए तई इजाजत दीजिए असलम वरहि वरक